ठीक है, तो क्या और भी कोई ब्लड होता है भाई, और भी किसी कुछ ब्लड टाइप होता है? तो हाँ जी, द आंसर इज यस। जब कभी भी आप देखते हो हमारे वेंस के अंदर, तो उसका कलर ना ब्लू दिखता है। ठीक है, आपने कभी वंडर किया है कि भाई हम तो बोलते हैं कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जो कलर है वो तो रेड है। Why the color of blood red? Have you ever wonder why? या फिर रेड कलर के अलावा भी कोई कलर हो सकता है क्या? क्या आप कभी आपने सोचा है कि लाल खून की जगह ब्लू ब्लड, कभी सोचा है ग्रीन ब्लड, कभी सोचा है पर्पल ब्लड? आखिर ऐसे कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं इन सारे ब्लड के अंदर जो इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं? प्लस हमारे ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा कॉम्पोनेंट है भाई जिसने इसको रेड ब्लड दिया है? क्या वो सिर्फ हीमोग्लोबिन ही है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे जो हमें पढ़नी है, हमें जाननी है, और हमें आज तक किसी ने नहीं बताई? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आज आपको मैं बताती हूँ ये सारी बातें। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी वीडियो के अंदर। मैं हूँ सोनिया, वेलकम करती हूँ आप सबका एक बार फिर से एकेडमी पर। तो आज हम जानने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ब्लड के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाई द कलर ऑफ ब्लड रेड? हाँ जी, तो ब्लड का कलर रेड होता है आपने हमेशा सुना होगा, क्यों? बिकॉज उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हर जगह पढ़ा है, हर जगह बस हमने यही सुना है कि भाई हीमोग्लोबिन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस हीमोग्लोबिन में भी ऐसी क्या चीज़ है जिसके वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड दिखता है? क्योंकि भाई ब्लड के अंदर तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके अंदर तो RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा सब है, तो सिर्फ रेड कलर ही क्यों दिखता है? WBCs का वाइट ब्लड सेल क्यों दिखते हैं हमें? वाइट कलर क्यों नहीं आता? और अगर वाइट और रेड दोनों आपस में मिल रहे हैं तो पिंक कलर क्यों नहीं है भाई, रेड क्यों है? तो ये सब जानना चाहिए जो कि आप लोगों को ना ही किसी ने बताया, ना ही कभी आपने सोचा, और ना ही कभी आपने सोचने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों होता है। बस हमने पढ़ाया तो हमने जान लिया कि भाई हीमोग्लोबिन है और हमने मान लिया, दैट्स इट, है ना? बट नहीं, आज मैं आपको इसके अंदर की बात बताती हूँ भाई। दैट इज़ ट्रू कि हाँ भाई ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है विच इज़ द हीमोग्लोबिन, एंड उस हीमोग्लोबिन के अंदर भी एक मेन ऐसा कंपाउंड होता है विच इज़ द हीम, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने आप से। दिस इज़ द हीम, दिस इज़ द वीडियो ऑफ, दिस इज़ द फोटो ऑफ हीम। अब ये जो हीम है ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि भाई इसको ट्रांसपोर्ट करनी है। WRBCs का सबसे बड़ा काम ही क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, राइट? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, साथ ही जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको, जितना भी वेस्ट है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी वो भी अपने अंदर उसको बाइंड करा, ताकि उसको भी बाहर निकाल दे, उसमें भी वो हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ तो वो कर रहा है, ठीक है, यानी कि बाइंड करेगा O2 से भी, CO2 से भी, एंड बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारी वेस्ट गैसेस से भी, ठीक है। अब जब कभी भी भाई जिस केस के अंदर भी ये ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करता है, तो ये क्या करता है, जितनी भी बाकी की लाइट्स है, व्हाट इज, जितनी भी बाकी की कलर जो हमारा वाइट कलर होता है लाइट का, वो 7 कलर से बना होता है, ठीक है। अब उन 7 कलर में से जितने भी बाकी की लाइट है, जैसे कि ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है, जितने भी विबग्योर के अंदर आते हैं, जो ऊपर की जो लाइट्स होती है ना हमारे विबग्योर में, ठीक है, तो वो सब क्या चले जाती है भाई, वो सब हो जाती है बाहर रिफ्लेक्ट आउट। वो सब क्या हो जाती है, बाहर रिफ्लेक्ट आउट। सिर्फ एक ही ऐसी रेड लाइट होती है विच इज़ रेड टू ऑरेंजिस लाइट, जो हमें दिखती है हमारे जब कभी भी हीम हमारा ऑक्सीजन से बाइंड करता है। दैट मीन्स जब कभी भी हीम ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, बाकी सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट आउट कर देगा, एंड सिर्फ बचेगा क्या उसके अंदर, रेड लाइट, ठीक है। क्या कौन सा कलर बचेगा उसका, सिर्फ और सिर्फ रेड या फिर ऑरेंज सा कलर। दैट मीन्स इसके वजह से भाई क्या हो रहा है, हीम ने तो सिर्फ बाइंड करा ना ऑक्सीजन से, हीम तो बाइंड करा किसी भी ऑब्जेक्ट से, बट उसके साथ साथ वो एक और प्रॉपर्टी कर रहा है क्या, कि भाई जितने भी लाइट के बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है, दैट इज द विबग्योर, उसमें से वो बाकी सब को तो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेड को अपने अंदर रख रहा है एब्जॉर्ब करके, सिर्फ और सिर्फ रेड को रख रहा है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके। दिस इज द रीजन व्हाई वी ओनली सी रेड कलर इन दी RBCs, दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि भाई RBCs के अंदर तो क्या है, हमारा रेड कलर है, तभी उसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। क्यों है, बिकॉज हीम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, जो कि आयरन से बाइंड करता है, जो कि आयरन से बना होता है, जो कि बाइंड करता है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारे वेस्ट से। पर जब कभी वो बाइंड करता है इन सब चीज़ों से, वो क्या करता है, बाकी की सारी जितने भी विबग्योर के अंदर लाइट है वो सब रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करता है क्या, रेड
और कुछ ऑरेंज से लाइट, और इसीलिए हमारा जो RBCs जो है दैट इज द रेड ब्लड सेल, वो हमें कलर के अंदर अपीयर करते हैं रेड। ठीक है, अब जितने भी, जैसा कि मैंने बोला भाई, अगर रेड ब्लड सेल रेड है, जान लिया रीजन कि क्यों रेड है, बट अगर रेड ब्लड सेल WBCs के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर तो सिर्फ RBCs थोड़ी है कि हाँ भाई अगर पानी के अंदर मैंने जो है रेड कलर डाला तो वो पूरा रेड हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने बोला कि भाई वहाँ व्हाइट कलर, व्हाइट ब्लड सेल्स भी तो है जो अपेयरेंस में व्हाइट है, तभी तो उनको व्हाइट कहा जा रहा है। साथ में प्लाज्मा भी है, साथ में प्लेटलेट्स भी, जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट है, तो भाई हमारे ब्लड का कलर पिंक क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मुझे पता है कि अगर पानी में मैंने रेड कलर डाला तो वो रेड होगा, बट अगर मैंने व्हाइट कलर के अंदर अपना रेड कलर डाला तो डेट विल बी कम आउट एज अ पिंक कलर, बट यहाँ तो ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा रेड कलर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में है और व्हाइट कलर काफ़ी कम क्वान्टिटी में। येस, यू गेट द पॉइंट राइट। यही रीज़न है कि भाई हमारा जो ब्लड का कलर है वो भी रेड दिखता है। क्यों? बिकॉज हर एक WBCs के लिए हमारे ब्लड के अंदर 600 RBCs होते हैं। कैन यू इमेजिन द रेशो, 1:600 की रेशो है WBCs एंड RBCs में, RBCs के अंदर। दैट्स द रीज़न वाई कि वह हमेशा जो हमारा ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लड के नंबर्स, रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड ही अपीयर करता है, वो ओवरकम कर देता है वाइट ब्लड सेल के कलर को। चलिए, ये तो हो गया भाई इसके बारे में, हाँ भाई ब्लड जो है रेड क्यों होता है एंड रेड कलर किस लिए आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है दैट हीमोग्लोबिन बाउंड्स टू द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब द ब्लू एंड ग्रीन लाइट व्हिच मींस दैट रिफ्लेक्ट आउट द रेड लाइट एंड देन दैट्स द रीजन व्हाई रेड एंड ऑरेंज लाइट, दैट्स द रीजन व्हाई वी ओनली सी द रेड लाइट इन द ब्लड। ठीक है, हमने ये बात कर ली, अब बात करते हैं सम अदर ब्लड। ठीक है, तो क्या और भी कोई ब्लड होता है भाई, और भी किसी कुछ ब्लड टाइप होता है? तो हाँ जी, द आंसर इज येस। जब कभी भी आप देखते हो हमारे वेन्स के अंदर, तो उसका कलर ना ब्लू दिखता है। ठीक है, आपने कभी वंडर किया है कि भाई हम तो बोलते हैं कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जो कलर्स है वो तो रेड है, बट हम हमेशा जो अगर डायग्राम भी बना रहे होते हैं, जितना भी डिओक्सीनेटेड ब्लड दिखा रहे होते हैं, वो ब्लू से मार्क कर रहे होते हैं। क्या सच में हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लू कलर प्रेजेंट है? एंड आंसर इज नो, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और तो फिर अगर नहीं है तो भाई वेन्स का कलर हमारे ब्लू क्यों दिखता है, है ना? ब्लू क्यों दिखता है वेन्स का कलर जब वो भाई रेड कलर का है, तो ब्लू क्यों दिख रहा है? क्यों? बिकॉज जितनी भी हमारे रेड लाइट है, जैसे कि मैंने बोला रेड एंड ऑरेंजेस लाइट है, वो कुछ ज़्यादा ही पेनीट्रेट कर जाती है हमारे टिश्यूज के अंदर, तो हमें जो बाहर की जो लाइट होती है दैट इज दी ब्लू लाइट, दैट इज दी ब्लू लाइट, इंडिगो लाइट, तो वो जो है बाद में हमें दिख रही होती है हमारे वेन्स के अंदर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जब कभी भी हम ब्लड के अंदर की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन उससे बाइंड करेगा, तो हीमोग्लोबिन जितनी भी रेड लाइट है उसको हमें दिखा देगा। क्यों? बिकॉज बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्योंकि और इस केस के अंदर जो है हमारा जो रेड लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा अंदर जाके एब्जॉर्ब्ड होती है इसके अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर। दिस इज द रीज़न वाई कि भाई हम हमेशा क्या देख पाते हैं, हमारे वेन्स का जो कलर है वो ब्लू ही देख पाते हैं। ये आपको समझ में आएगा इस डायग्राम से। As you can see, this is the hand, और यहाँ पर है हमारी सारे veins। अब जितनी भी light पड़, this is the white line, और ये पूरी जो है distribute हो चुकी है इसके सारे constituent color के अंदर। अब जितने भी हमारे red blood cell या red light है, जितनी भी white light से निकली red color की light है, अब वो क्या करेगी, जितनी भी red and oranges है वो सीधा अंदर जाएगी और वो काफ़ी deeply penetrate हो जाएगी। And क्योंकि वो इतनी deeply penetrate हो रही है, तो यहाँ पर travel करने के लिए कौन सी light मिली, यानी कि ऐसी कौन सी अब हमारे पास light है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर travel करेगी और हमें हमारे body की surface पर दिखेगी, विच इज़ दी ब्लू लाइट। तो दैट्स द रीज़न वाई कि भाई हमेशा हमें क्या दिखता है, हमारे veins ब्लू कलर के दिखते हैं, which is just like a optical illusion to our eyes, क्योंकि हमारा blood red color का होता है। क्यों? Because उसके अंदर heme होता है, और जो heme है वो क्या कर रहा होता है, बाकी सबको absorb करके red को reflect करता है, इसलिए हमें red दिखता है। ठीक है, but इस case के अंदर जो है हमारा red light जो है काफ़ी अंदर penetrate हो जाती है, और ऊपर जो surface पे सिर्फ और सिर्फ क्या reflect हो रहा होता है, हमारी blue light।
बट ये इंडिकेट नहीं करते कि हमारा कलर जो है ब्लड का वो ब्लू भी होता है हमारे वेन्स के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है जो कि आज आपका क्लियर होगा। दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड ही ब्लड है, प्लस वेन्स का कलर ब्लू क्यों होता है वो भी अब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म की, ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग थिंग्स की जिनका ब्लड जो है रेड ना होकर और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है। हाँ जी बिल्कुल राइट, ब्लू कलर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लू ब्लड आ रहा है? रेड ब्लड तो सुना है राइट? जब कभी ब्लड का हमारे दिमाग में ब्लड का हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर बनती है, यानी कि रेड। हमेशा ब्लड से स्टार्ट, ब्लड जब भी नाम आता है, अगर कोई थीम भी है ब्लड पे तो हमारा मन करता है भाई रेड, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि भाई क्या पता किसी का कलर और भी हो, ना ही हमने कभी सर्च करा कि भाई और भी किसी कलर के ब्लड कभी होते हैं। तो हाँ जी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाँ भाई हमारे इस यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ब्लड जो है पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लू कलर एज वेल एज ग्रीन एज वेल एज पर्पल कलर भी देखा जाता है। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखाते हैं। दिस इज दी हॉर्सशू क्रैब। इन क्रैब्स का जो कलर होता है ब्लड का, दिस इज द ब्लू। एज यू कैन सी यहाँ से इनका ब्लड निकाला जा रहा है और ये जो ब्लड है ये ब्लू है। एंड दिस इज द फिश, स्क्विड फिश, जिसका कलर जो होता है काफ़ी डार्किश इंक की तरह होता है और ये पर्पल होता है या फिर ब्लूइश इंक की तरह भी ये दिखता है। दिस इज द स्क्विड फिश एंड दिस इज द क्रैब्स। इन सब के जो कलर है ब्लड का वो ब्लू और काफ़ी इसका डार्क ब्लू या पर्पलिश भी आप इसको बोल सकते हैं है, अपेयरेंस में दिखता है, बट वैसे डार्क ब्लू इंक की तरह होता है। चलिए अब ये तो हो गई बात भाई किसकी कि हाँ भाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर टाइप होता है। अब हमने ये भी जान लिया कि भाई हमारा रेड होता है, ठीक है, बाकी ऑर्गेनिज्म का और भी कलर हो सकता है और हमारे बॉडी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड ही है, हमारे अंदर ब्लू कलर नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता वो भी इसका रीजन जो हमने जान लिया। चलिए अब क्या और भी कोई चीज़ है ऐसा जो आपको जानना है ब्लड के बारे में जो ब्लड से काफ़ी रिलेटेड है? या कभी भी आपने ऐसा सोचा है कि भाई जब कभी भी फॉरेंसिक टेस्ट हो रहा होता है और वहाँ पर ब्लड पड़ा होता है तो हम उस ब्लड को क्यों उठा रहे होते हैं? उस ब्लड को जितने भी टेस्ट करने वाले होते हैं लैब टेक्नीशियस्ट, और वो क्यों उठा रहे होते हैं भाई? क्यों? बिकॉज उनको कहीं ना कहीं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस ब्लड के मतलब वो कितना पुराना ब्लड है वो उसको टेस्ट करके उस सिंपल उस ड्रॉप से जहाँ पर ब्लड पड़ा है उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि भाई वो कितना टाइम पुराना ब्लड है। दैट मीन्स कैन यू इमेजिन कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड के ड्रॉप से पता कर सकते हैं कि भाई कितना टाइम पुराना ब्लड है, या फिर अगर किसी डेड बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, अगर वो गिरा पड़ा है जो ब्लड है उसके बाहर डेड बॉडी से, तो हम वहाँ पर ही पता कर सकते हैं कि हाँ भाई उस बॉडी की कब किस टाइम जो है उसकी डेथ हुई थी। और ये सब क्यों होता है? क्या और भी कुछ चीज़ है इसके अंदर ब्लड के अंदर? तो अगर कभी आपने इमेजिन करा हो कि जब कभी भी ब्लड आपकी बॉडी से निकल रहा होता है तो भाई वो बिल्कुल रेड कलर का होता है, चेरी रेड कलर का होता है, और जैसे ही वो गिर जाता है फिर कुछ टाइम के बाद वो काफ़ी डार्क कलर, काफ़ी डार्क रेड कलर का हो जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम जो थोड़ा सा दिन हो जाए उसको तो भाई वो ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। दैट मीन्स हम उनके कलर के वजह से, उनके कलर के चेंज के वजह से बता सकते हैं कि भाई कितना टाइम पुराना जो है हमारा ब्लड है। तो सेम चीज़ ही यहाँ पर देखी जाती है फोरेंसिक स्टडीज़ के अंदर भी, ये पाया गया है कि भाई जो ब्लड होता है जैसे ही वो हमारे बॉडी से फ्लो हो रहा होता है तब तक तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, देन हीमोग्लोबिन जो है भाई हमारे पास मेट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाती है, एंड जैसे ही वो मेट हीमोग्लोबिन में चेंज होती है तो उसका कलर भी डार्क हो जाता है। और अगर ज़्यादा टाइम हो जाए भाई, क्योंकि अगर ताज़ा खून गिरा है तो सिंपल उसमें हीमोग्लोबिन कुछ टाइम बाद ही वो डार्क हो जाएगा, और अगर कुछ ज़्यादा दिन हो गया दैट इज एक दो दिन बाद अगर देखते हैं तो भाई दैट मीन्स वहाँ पर बिल्कुल हमें ब्राउन स्पॉट मिलेगा ब्लड का। दैट मीन्स वहाँ पर अब मेट हीमोग्लोबिन भी नहीं, हीमोग्लोबिन जो है कन्वर्ट हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है किसके अंदर, हेमीक्रोम के अंदर। और उस हेमीक्रोम को अगर हम डिटेक्ट कर पाते हैं उस ब्लड के अंदर तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये ब्लड जो है काफ़ी पुराना है, यानी कि एक दो दिन पुराना ये ब्लड है या एक दो दिन पुराना ये ब्लड का सैंपल है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा
इसको जानने में कि हाँ भाई कितने टाइप के ब्लड्स होते हैं और कैसी कैसी चीज़ें हमें ब्लड से रिलेटेड मिल जाती है, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, प्लस डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं, अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ में और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है तो जल्दी से उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए साथ ही साथ, ताकि आपको जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोज़ है इतनी इंटरेस्टिंग, इतने साइंटिफिक फैक्ट्स पे रिलेटेड, आपको पहले से ही उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। Till then, keep learning and keep supporting us. Bye-bye.